तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस कॉर्नर से यहाँ से और इस कॉर्नर पे इधर अगर एक स्ट्रेट लाइन में बना दूँ एक कोने से दूसरे कोने तक, और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर कोई कार ऐसे मूव कर रहा है, तो ये देखने में तो थ्री डायमेंशनल फिगर है ये, लेकिन ये वन डायमेंशनल मोशन का ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि जिधर ये मूव कर रहा है कार, उस डायरेक्शन को मैं एक्स एक्सिस लूँगा, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही एक्सिस काफ़ी मेरे लिए रहेगा। कहीं भी ये रहेगा, मैं बोल दूंगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है इसके पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, इसलिए ये वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। और ऐसे स्प्रिंग के अलॉन्ग ऐसे कुछ मूव कर रहा है इस स्पाइरल पाथ में, इस पाथ को फॉलो करके कोई मूव कर रहा है, तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होगा। और एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, तो ये जिधर शुरू में प्रोजेक्ट किए स्टार्टिंग में, वो एक्स एक्सिस ले लेंगे, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा नहीं मूव कर रहा है, वो एक्सिस को छोड़ भी रहा है, किधर इधर भी आ रहा है, तो ये टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। वैसे ही आप ट्राई कीजिए, सर्कुलर मोशन किस किसका इस एग्जाम्पल है, 1D, 2D और 3D किस टाइप का मोशन है, तो सर्कुलर वाला भी टू डायमेंशनल है, क्योंकि जिधर इनिशियली ये जा रहा था उधर एक्स मान लेंगे, तो वो एक्सिस को छोड़कर ऊपर भी जा रहा है, तो उसके पोजीशन को आपको लोकेट करने के लिए एक और कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर्कुलर मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो एक बात समझ में आ गई हमें कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक, अभी इसके बाद रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है। रेस्ट मतलब सबको पता है, कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो पहले जहाँ था वहीं पे है, तो उसका डेफिनेशन लिखा रहता है बुक में कि बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन बाई द पासेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम देख रहे हैं आप, टाइम बढ़ता जा रहा है और उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पहले था कुछ टाइम के बाद भी वही है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं कि वो रेस्ट में है। और हम कब बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन में है या मूविंग है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे समय बदलने के साथ। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन बाय द पासेज ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अभी रेस्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, वो उसका एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मतलब क्या हुआ सर? एब्सोल्यूट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप रेस्ट में बोल रहे हैं, तो वो सबको रेस्ट ही में अगर दिखे तो बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में है ही नहीं वर्ल्ड में। जैसे अभी आप बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप हैं, उस बिल्डिंग को बाहर से खड़े होकर देखेंगे तो वो रेस्ट में आपको दिखेगा कि ये बिल्डिंग रेस्ट में है, लेकिन स्पेस में से कोई देखेगा अगर, तो पूरा अर्थ ही रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो वो बिल्डिंग भी उसको मूव करता हुआ दिखेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। तो आप जिसको रेस्ट में बोल रहे हैं, कोई और उसको बोल रहा है कि नहीं ये तो मूविंग है। इसीलिए बोला जाता है कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, वो डिपेंड करता है देखने वाले पे कि कहाँ से उसे देखा जा रहा है। जिस जगह खड़े होकर आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के स्टेट को कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, उस जगह को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या होता है? तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ताकि हम बता सकें कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, उसके लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस रखना पड़ेगा, और एक क्लॉक रहना चाहिए जो कि समय बताए कि वो कितने सेकेंड में कितना मूव किया। तो एक क्लॉक और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कम्बाइनली हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, राइट? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुल मिला के समझे आप, 100 बात की एक बात अगर मैं बताऊं, तो वो जगह जहां से देखकर आप दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि वो रेस्ट में है कि मूविंग है, कितने स्पीड से मूव कर रहा है, किसी के स्टेट को आप बता रहे हैं कि वो रेस्ट में है कि मूविंग है, उस जगह को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन से बाहर देख रहे हैं और वो खुद मूविंग ट्रेन है, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ट्रेन हो गया, मूविंग ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर उसी ट्रेन को कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी देख रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस प्लेटफॉर्म पे खड़े पर्सन के लिए, ऑब्जर्वर के लिए, वो प्लेटफॉर्म ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कोई कार में बैठा हुआ पर्सन है, वो देख रहा है अगर उसी ट्रेन को, तो कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए। ऑब्जर्वर जहाँ बैठ के दूसरे को देखे, ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन स्टेट का एनालिसिस करे, उस जगह को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया।
रेस्ट एंड मोशन भी समझ में आ गया। रेस्ट मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बदलने के साथ, टाइम बढ़ने के साथ, टाइम तो बढ़ेगा ही, बढ़ते जाता है टाइम। फिर अगर उसका पोजीशन चेंज हो रहा है बाय द पासेज ऑफ टाइम, तब हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इनिशियल पॉइंट यहाँ से फाइनल पॉइंट यहाँ जाना है, एक पॉइंट इनिशियल उसको मैंने नाम दिया है और दूसरा पॉइंट फाइनल पे आपको जाना है, तो वहाँ तक जाने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है। कोई बोलेगा कि मैं सीधे ऐसे चला जाऊँगा, सीधा ये एक रोड है, मान लेते हैं एक रोड ऐसे ऐसे सर्कुलर जैसा है, रोड सेमी सर्कल जैसा, फिर एक रोड ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके है रोड इस तरह का। तो पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाथ, राइट। तो अगर कोई पर्सन इस रास्ते से गया, ऐसे चलकर जा रहा है इधर से, तो ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है उसको डिस्टेंस बोला जाता है, डिस्टेंस। कोई इधर से अगर इस पाथ से चल कर गया तो ये इसके लिए डिस्टेंस है, और कोई बीच वाले रास्ते से ऐसे चल कर गया ये भी इसका डिस्टेंस है। लेकिन इन सब में इनिशियल से फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मैं इस रास्ते का नाम दे रहा हूँ, ये रास्ता है ए और ये रोड, रोड का नाम है बी और ये रोड का नाम है सी। तो ए रोड की जो लेंथ है, पाथ लेंथ, उसको डिस्टेंस बोला जाएगा अगर ए रोड से कोई चल कर गया तो। और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर कोई इनिशियल से फाइनल तक रोड ए के तरफ से चला गया, ऐसे ए रोड की तरफ से गया, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हुआ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, जो भी ए रोड का डिस्टेंस होगा वो हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जो लाइन ज्वाइन किया हुआ है सर्कल का डायमीटर, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अभी डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग चलने की ज़रूरत नहीं है, आप भले ही किसी रास्ते पे जाइए, आप लॉन्ग रास्ता भी लेकर जाइए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ को ही बोला जाएगा, आप भले ही वो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग जाएँ या नहीं जाएँ, राइट। वैसे ही ये सी रास्ता से भी जो जाएगा, सी रोड से जो जाएगा, उसका भी बोला जाएगा कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट 2R ही होगा, मतलब इस सर्कल का डायमीटर ही होगा। ए बी और सी, इन तीनों में डिस्प्लेसमेंट किसने किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो गया, तो बी के लिए, क्योंकि बी खुद शॉर्टेस्ट पाथ से ही गया है। तो बी ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही इनिशियल से फाइनल का डिस्प्लेसमेंट भी है, तो बी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। लेकिन ए और सी के लिए डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। और डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल पाथ जिस पाथ पे आप गए उसका लेंथ, वो डिस्टेंस है। तो इसी सेमी सर्कल में इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक देखते हैं क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल से फाइनल इस सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए गया इनिशियल से फाइनल, तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 2πr/2। 2πr पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो आधा सर्कल ये आधा सर्कल पे मूव करके गया है, तो 2πr का हाफ कर देंगे यहाँ पे, राइट। इस सर्कल का रेडियस 40 है, तो r की जगह पर 40 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो 40 × π, 40π मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल यहाँ था और फाइनली ये यहाँ पे आ गया है, तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या है, तो रेडियस का डबल है, ये डायमीटर डायमीटर के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस का डबल है ये, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ 2R हो गया, 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस था 40, तो 2 × 40 दैट मीन्स 80 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल करते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए। इस बार इनिशियल पॉइंट इसका यहाँ पे है, इनिशियल पॉइंट ये है, और इनिशियल पॉइंट से पहले वो ऑब्जेक्ट किधर को गया, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, तो ठीक है 50 मीटर नॉर्थ में गया है, फिर ईस्ट में गया है 40 मीटर ऐसे राइट साइड में ईस्ट, फिर साउथ में आया है 20 मीटर नीचे, इस बात को फॉलो करके आया, तो कुल मिला के डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, तो डिस्टेंस 50 + 40 + 20, 50 + 40 एक्चुअल पाथ लेंथ जितना ट्रेवल किया वही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, दैट मीन्स 110 मीटर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, 50 + 40 + 20। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, फाइनली यहाँ एक कैफ़े था, यहाँ तक आया है आदमी, फाइनल पॉइंट तक आना है उसको, तो इनिशियल से फाइनल ऐसे लाइन ज्वाइन कर दीजिए डायरेक्ट, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए हम इधर एक्सटेंशन किए हैं ऐसे और यहाँ पर पेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो
तो ये 40 था, तो ये भी 40, यहाँ पे भी 40 हो गया, और ये टोटल 50 था, तो उसमें से 20 माइनस हो गया है, तो ये रिमेनिंग ये वाला हो गया है 30। तो एक साइड 30 आ रहा है और एक साइड 40 आ रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट। तो ये हाइपोटेनियस के जैसा है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कर देंगे, 30² + 40² तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल से फाइनल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। 30² + 40² का रूट करेंगे तो 50 आ जाता है, राइट। तो 50 इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एक और एग्जांपल, यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट यहाँ से यहाँ आया है, और इस डायरेक्शन में मैं ईस्ट लिया हूँ, तो ईस्ट की तरफ ये चला है 4 मीटर, फिर नॉर्थ अंदर की तरफ 3 मीटर चला है ये, और यहाँ पे एक पोल है, पोल के ऊपर वो चढ़ाई किया है ऐसे, पोल के ऊपर चढ़ाया है ऐसे, तो परपेंडिकुलर ओबियसली ग्राउंड पे परपेंडिकुलर होता है पोल, तो उस पर 12 मीटर चला है, मतलब 3 मीटर इधर, सॉरी 4 मीटर इधर, फिर 3 मीटर इधर अंदर की तरफ गया, और फिर यहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ था जिसमें मैं यहाँ पे फ्लैग बनाया हूँ झंडा, और 12 मीटर ऐसे ऊपर पोल के ऊपर चढ़ाई किया। पहले रोड पे इधर गया, फिर 90 डिग्री इधर में 3 मीटर गया, फिर उस पर पोल गड़ा हुआ था उस पर चढ़ गया। मतलब आप पहले रोड पे ऐसे गए, इधर गए, फिर इधर कितना गए 4 मीटर, फिर ऐसे गए 3 मीटर, और यहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ था ऐसे ऊपर की तरफ, फिर पोल के ऊपर ऐसे चढ़े, तो ये 3 डायमेंशन में कुल मिला के हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है यहाँ पे क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, तो पहले हम इन दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस निकालेंगे, ये बीच वाला रास्ता, ये तो ये 4 था और ये 3, तो 4² और 3² करेंगे रूट में, तो 4² 16, 3² 9, तो √25 का 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा। अब ये 5 आ गया, तो दिस स्क्वायर प्लस पोल का हाइट, मतलब आप इधर गए और इधर गए, तो पहले हम इसका और इसका निकाल लिए ऐसे मिलाकर हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस और यहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ था ऐसे ऊपर की तरफ, ये दोनों भी आपस में 90 है, तो 5² + 12² करेंगे, तो ये टोटल इनिशियल से फाइनल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम में, देखिए, तो इधर से था 4, इधर से था 3, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया था 5, ये 5² और ये 12², यहाँ पे एक पोल गड़ा हुआ था, तो 5² + 12² भी रूट में करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो देखिए 4² + 3² किए तो पहले 5 मिला, और बाद में 5² + पोल का हाइट था 12, 12² का रूट किया तो 13 मिल गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में कुल डिस्प्लेसमेंट कवर कितना किया, 13 मीटर। क्लियर है ये? अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कंपटीटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये नहीं है, राइट। तो जो ओनली बोर्ड के लिए देख रहे हैं इसको, वो इस न्यूमेरिकल को उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ख़त्म हो गया। अगर आप कुछ कंपटीटिव एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे JEE का, NEET का, ये सब का, NDA का, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अब इसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, देखिए पहले सिचुएशन क्या है मैं बताता हूँ। इनिशियल पॉइंट, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया और वो 500 मीटर स्ट्रेट ऐसे चला, 500 मीटर, इसके बाद वो 60 डिग्री टर्न लिया ऐसे, 60 डिग्री टर्न, मतलब आप खुद मान लीजिए बाइक राइड कर रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं, तो पहले स्ट्रेट ऐसे 500 मीटर स्ट्रेट गए, और स्ट्रेट जाने के बाद आप लेफ्ट में जिस रास्ते से जा रहे थे उसे 60 डिग्री ऐसे टर्न ले लिए, फर्स्ट टर्न यहाँ पे आपने लिया, फिर आगे 500 मीटर गए, 500 पे फिर से आपने 60 डिग्री पे एक और लेफ्ट टर्न ले लिया ऐसे, ऐसे ले लिया, फिर यहाँ पे फिर से 500 मीटर जाने के बाद तीसरा टर्न लेने वाले हैं यहाँ, तो क्वेश्चन में पूछा है कि थर्ड टर्न जैसे ही आप लिए उस समय तक, यानी थर्ड टर्न तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? मतलब पहले ऐसे गया कोई ऑब्जेक्ट 500 मीटर, फिर इधर को गया, फिर इधर को गया, तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल ये, तो इनिशियल से फाइनल के बीच ज्वाइन करने को ही तो बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टोरियली ही ऐड होगा, तो इस वेक्टर को मैं आई ए लिख देता हूँ, यहाँ आई लिखा हुआ है मैंने और यहाँ ए लिखा है,
तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का सम कैसे होगा, उसका इसका सम का जो आंसर आएगा रिजल्टेंट वो ये वाला वेक्टर होगा, मतलब इनिशियल से लेकर और फाइनल तक आई एफ वेक्टर होगा। तो आई एफ वेक्टर किसका किसका सम हुआ, आई ए वेक्टर प्लस ए वन, या ए यहाँ पे है और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बी, तो प्लस ए बी वेक्टर और यहाँ से यहाँ प्लस बी और यहाँ पे एफ था, तो बी एफ वेक्टर। तो आई ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर तीनों ऐड करने से मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा विच इज आई एफ वेक्टर, इनिशियल से लेकर और फाइनल तक। वेक्टर कैसे सम करते हैं, तो फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, ये टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ लास्ट वेक्टर को मिलाते हैं तो उससे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है, यानी सारे वेक्टर का सम मिल जाता है, राइट। तो मुझे आई एफ वेक्टर ही तो चाहिए क्योंकि आई एफ ही रिजल्टेंट वेक्टर है, तो वो क्या होगा इन तीनों का सम। अभी मुझे थ्री वेक्टर्स को ऐड करना है, वन सेकेंड एंड थर्ड वन, दिस थ्री वेक्टर, राइट। तीन वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर के लिए तो फॉर्मूला है फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस रूट टू फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा, ये सबको पता है, फेमस है फॉर्मूला ये। लेकिन थ्री वेक्टर को कैसे ऐड करें, तो थ्री वेक्टर्स या मोर देन थ्री वेक्टर्स को अगर सम करने के लिए आए तो क्या करना पड़ता है, सारे वेक्टर को आपको सारे वेक्टर के टेल को आप ओरिजिन पे ले आइए, कोऑर्डिनेट एक बना लीजिए एक्स और इधर वाई एक्सिस लेकर, और जितने भी वेक्टर्स हैं सबके टेल को ओरिजिन पे रख लीजिए सारे वेक्टर को, और सभी वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। वेक्टर चैप्टर का जो वीडियो है उसमें जाकर देख लीजिए आप कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे हो किया जाता है, कैसे किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करना मतलब वेक्टर को स्प्लिट करना, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब इसको हटाकर और इसके बदले में दो वेक्टर को लाना एक्स और वाई में जिनका रिजल्टेंट वापस यही वेक्टर आ जाए, राइट, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट का जस्ट उल्टा प्रोसेस है, रिजल्टेंट में हम लोग दो वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना लेते हैं जो कि दोनों के बराबर आ जाए इफेक्टिव, और रिजोल्यूशन में एक वेक्टर को स्प्लिट कर देते हैं हम लोग दो वेक्टर में। तो मैं इधर पहले जा रहा था 500 मीटर तो एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे मैंने 500 ले लिया एक वेक्टर, फिर एक्स एक्सिस से इधर 60 डिग्री एंगल बनाकर फिर से 500 गया, तो हम ओरिजिन पे ही एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे 500 का एक और वेक्टर बना लेंगे। तीसरा वेक्टर जो था वो सेकेंड वेक्टर से और 60 डिग्री घूमकर 500 है, तो इससे 60 डिग्री और घूमकर हम 500 एक और तीसरा वेक्टर बना लिए, राइट। तो इससे 60 है तो इधर से 30 जाएंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस से खुद 60 पे था, तो 30 डिग्री जाते ही वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, तो ये वाई एक्सिस से और 30 डिग्री ज़्यादा गया है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है तीसरा वाला वेक्टर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थर्ड वाला वेक्टर वाई एक्सिस से 30 डिग्री उधर पहुंच गया है क्योंकि ये सेकेंड वाले वेक्टर से 60 डिग्री पे था, और सेकेंड वाले वेक्टर से वाई एक्सिस खुद 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे क्योंकि ये 60 है तो टोटल 90 करना है मुझे, राइट। तो इस तरह से मैंने तीन वेक्टर को यहाँ पे बना लिया, फर्स्ट वेक्टर ये, सेकेंड वेक्टर ये और थर्ड वेक्टर ये रहा। अब इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, वो एक्स एक्सिस में ही है, जो एक्स वाई में नहीं है उसको लाना होता है। तो इधर 500 था और इधर 60 डिग्री एंगल बनाया है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते ही ये बेस जैसा इधर लग रहा है, इस ये एक्स एक्सिस बेस के जैसा है, तो एक्स की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा उसका 500 cos 60, मतलब 500 का हाइपोटेनियस है तो बेस होगा 500 cos 60 का, और ये परपेंडिकुलर यानी वाई उसका कितना आएगा, वाई के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 500 sin 60 होगा, sin 60 क्योंकि ये परपेंडिकुलर के जैसा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करने पे साइन 60 ऐसे आता है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन 60, और हाइपोटेनियस यहाँ 500 है तो 500 साइन 60 के बराबर आ जाएगा। तो अभी ये वेक्टर रिजोल्व मैंने कर लिया, इसका एक्स की तरफ आया कंपोनेंट 500 कॉस 60, वाई की तरफ आया 500 साइन 60, ये 500 साइन 60। अभी इसका रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया, अब मैं इस वेक्टर का रिजोल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये भी 500 था और वाई एक्सिस से 30 बनाया, जिधर एंगल बनाता है उधर बेस होता है, तो वाई की तरफ इसका 500 साइन 30 चला गया और एक्स डैश की तरफ इधर कंपोनेंट आया 500 साइन 30। अभी जितने भी वेक्टर्स मेरे पास हैं
उनको मैंने रिजॉल्व कर लिया है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। नेक्स्ट स्टेप में सारे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर लेना है, मतलब जितने भी फोर्सेज एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको आपको ऐड करना है। यानी किसको इसको ऐड करना है सर, देखिए 500 और 500 cos 60 इसको प्लस कीजिए और 500 sin 30 को माइनस करिए, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा। मतलब 500 में 500 cos 30 ऐड करेंगे और 500 sin 30 सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर देखिए 500 में 500 cos 60 ऐड और माइनस कर दिए 500 sin 30। cos sin का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, cos 60 होता है हाफ और sin 30 भी हाफ, तो ये कैंसिल होकर x डायरेक्शन की तरफ 500 आया। मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक के बीच का जो गैप है, डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, उस डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है 500, यानी कि x कोऑर्डिनेट 500 है। वैसे ही y के लिए भी करेंगे, तो y की तरफ सिर्फ ये दोनों वेक्टर आए हैं 500 sin 60 और 500 cos 30, इन दोनों का भी सम करेंगे। यहाँ y डैश की तरफ कुछ भी वेक्टर नहीं है, तो y की तरफ देखिए 500 sin 60 500 cos 30, इसको जब मैंने सम किया तो 500 रूट 3 आया और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, टोटल x जितना आया था उसका स्क्वायर और टोटल y जो आया उसका स्क्वायर। क्योंकि अभी x एक्सिस और y एक्सिस तो 90 डिग्री पे है आपस में, और 90 डिग्री पे दो वेक्टर जब आ जाता है तो उसका रिजल्टेंट लिखते हैं स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर आ गया 1000 meters। इसको एक्स का वैल्यू मैंने 500 रख दिया और वाई का वैल्यू 500 रूट 3 उसका स्क्वायर करके रूट कर लिए, तो इससे 1000 meters नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं।